जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक एनकाउंटर हो गया। भारतीय सेना को खबर मिली कि जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। सेना जैसे ही इलाके को घेरने पहुंची तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस एनकाउंटर में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस हमले में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। इसके अलावा आतंकियों का पीछा कर रही एक फीमेल लेब्राडोर डॉग की भी जान चली गई। सेना की इस असॉल्ट डॉग का नाम केंट था। केंट 6 वर्ष की थी और वो 21 आर्मी डॉग यूनिट के साथ जुड़ी हुई थी। केंट एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान भाग रहे आतंकवादियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन बुद्धिजील आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। ये गोलियां केंट के भी लगी। इस आतंकी हमले में भारत ने अपने एक जवान को खो दिया और 3 जवान घायल भी हो गए। तो वहीं देश की सेवा में लगी केंट भी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन गर्व की बात यह है कि मरने से पहले केंट एक आतंकवादी को भी मार गई। अगर केंट इस आतंकवादी को नहीं पकड़ती तो ये भी अपने साथियों के साथ भाग जाता। इस घटना के बाद पूरा देश भावुक है। सेना ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि केंट के शरीर को तिरंगे में लपेट कर रखा गया है। आर्मी के जवान केंट की शहादत पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इस तस्वीर ने पूरे देश को रुला दिया है। आपको याद होगा कि पिछले साल सेना के एक और असॉल्ट डॉग जूम ने भी आतंकियों पर हमला बोल दिया था। जूम ने 2 आतंकियों को एक घर में दबोच लिया था। आतंकियों ने जूम पर गोलियां दागी, लेकिन इसके बावजूद जूम ने आतंकियों को भागने नहीं दिया। 2 गोलियां लगने के बावजूद जूम आतंकियों से लड़ता रहा और नतीजा ये हुआ कि 2 आतंकवादी मारे भी गए। वो तस्वीरें आज भी ताजा हैं जब सेना और देश के साथ जूम के साथी डॉग्स भी उसे श्रद्धांजलि देते हुए नतमस्तक हो गए थे। जूम ने भी देश के लिए जान दे दी थी। इसके बाद जूम को बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था।